हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी से एक आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरु जी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोटरसाइकिल के बॉडी पार्ट्स को कैसे रिपेंट कर सकते हैं, कैसे स्प्रे पेंट कर सकते हैं स्प्रे कैन के थ्रू। और ये जो व्हीकल है ये 2009 मॉडल है, और 8 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो अपर एरिया होता है पेंट का वो डेड हो जाता है और डिसकलर और स्क्रैचेस तो आते ही हैं। सिमिलरली अगर आप ये सीट रिंग को देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी सारे स्क्रैचेस हैं, और ये नॉर्मल है। अगर आपका व्हीकल 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर ओल्ड है तो इस तरह का स्क्रैचेस, डिस्कलरेशन, डेड पेंट, ये सब नॉर्मल है, आपके व्हीकल में आ ही जाता है ये। तो मैं इस वीडियो में दो चीज़ बताऊँगा, फाइबर पार्ट्स पे कैसे पेंट करना है और इस तरह का जो मेटल पार्ट्स है इस पे कैसे पेंट करना है। तो अब इस एरिया को पेंट कैसे करना है, अब पेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप एक स्प्रे कैन लाए और यहाँ पे डायरेक्ट इस पे स्प्रे कर दिए हो गया, नहीं ऐसा नहीं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेड पेंट है, लूज़ पेंट है, इस पे डस्ट है, इस पे ग्रीस है, और अगर डायरेक्टली आप इस पे अगर पेंट अप्लाई कीजिएगा तो ये पेंट कुछ दिन के बाद पील ऑफ होने लगेगा। तो यहाँ पे पेंट करने के पहले हम लोग इस एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इस पे पेंट अप्लाई करेंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो। और एक कंफ्यूजन आपको होगा कि ये पेंट कितना रिलायबल होता है, कितना अच्छा होता है कंपेयर टू जनरल ऑटोमेटिक पेंट जो होता है, जो जनरल पेंट यूज़ होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सरफेस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ये वाला पेंट यूज़ करेंगे तो ये पेंट जो होता है वो एज़ गुड एज़ जनरल ऑटोमेटिक पेंट। इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको सरफेस अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, 1000 ग्रिट का पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये वाटर प्रूफ होता है, आप इसको वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, और इसे थोड़ा सा आपको क्लीन कर लेना है। और इससे होगा क्या कि एक तो आपका जो डेड पेंट है वो हट जाएगा, प्लस एक ग्रिप बनेगा जिसमें कि आपका नया जो पेंट है वो स्टिक करेगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगा, प्रॉपर बॉन्डिंग। और इसे इस तरह से रब करना है, इतना ही करना है कि जो आपका डेड पेंट है वो हट जाए, लूज़ पेंट, इरेगुलर सरफेस वो स्मूथ हो जाए, और जो ओरिजिनल पेंट है उसको कम्प्लीटली नहीं हटाना है। ये नहीं कि पूरा मेटल दिखने लगे, नहीं, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही करना है, डेड पेंट हट गया बात ख़त्म। उसी तरह इसको भी हो जाने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल, ग्रीस, कुछ भी इस पे नहीं रहे, एकदम क्लीन होना चाहिए। अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए। अब ये जो सरफेस है मैंने इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और ये कम्प्लीटली रेडी है अब न्यू पेंट इस पे करने के लिए। अब आप इस पे अच्छे से पेंट कर सकते हैं और जो भी आपका कलर है उसी तरह एग्जैक्टली मैचिंग कलर आप ले लीजिए और इसे आपको पेंट करना है। और इसमें स्प्रे करने का जो डिस्टेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बहुत नज़दीक से कीजिएगा तो ड्रिप कर जाएगा पेंट, सही से सरफेस फिनिश नहीं आएगा, और अगर दूर से करिएगा तो पेंट वेस्ट होगा और यहाँ पे अजीब टाइप का टेक्सचर आएगा। तो एक डिस्टेंस इतना काफ़ी है, इतना डिस्टेंस आप रखिए इस तरह से। एक कोट हो गया, 2 से 3 कोट आप कर सकते हैं इस पर, और ये आफ्टर 3 कोट कम्प्लीटली रेडी हो गया है। ये आप इसका साइन देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और उसी तरह हम लोग ये सीट रिंग को पेंट करेंगे, और आप किसी भी कलर से इसको पेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा एक ही होता है, इस पर बॉन्ड बनना चाहिए सही से। तो मैं इसे चाहता हूँ कि ब्लैक में पेंट करना, तो मैं इसमें ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसे फिट कर लिया है और आप इसे देखेंगे कि पहले से ये कितना बेटर लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है ये, और जो सीट रिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है पहले से, और मैंने इसे डिफरेंट कलर से पेंट किया है। तो आपने देखा कि कैसे एरोसोल स्प्रे कैन के हेल्प से
आप अपने मोटरसाइकिल का लॉस्ट ब्यूटी रिस्टोर कर सकते हैं फिर से। छोटा मोटा अगर पैनल है, सीट रिंग है और उस पर पेंट ओल्ड हो चुका है तो आप उसे फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, उसको फिर से न्यू कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, विद इन 20-30 मिनट्स में आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी अगर मैं नया वीडियो बनाता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।